नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग 16 दिसंबर 2020 की ग्रह स्थिति देखते हैं। राहु वृषभ राशि में है, सूर्य और चंद्रमा धनु राशि में, शुक्र बुध केतु अभी भी वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। सूर्य के धनु राशि में जाने से जब सूर्य धनु राशि में और मीन राशि में जाते हैं, इस माह को खरमास कहा जाता है। खरमास मतलब एक ड्राई फेज होता है। इस फेज में शादी ब्याह वर्जित होता है, बाकी कोई इसको बहुत अशुभ समय नहीं माना जाता है। तो बिल्कुल आराम से आप सारे कार्यों को करते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। शादी ब्याह और जनेऊ गृह प्रवेश ये वर्जित होता है। गुरु और शनि मकर राशि में विराजमान है और मंगल मीन राशि में विराजमान है। इन सारे ग्रहों की सारी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए देखते हैं। मेष राशि के नवम भाव में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही विराजमान है। ऐसे तो अमावस्या एक तिथि का नाम है, लेकिन अमावस्या एक कुयोग भी होता है। जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ मिलते हैं, आपके नवम भाव में बन रहा है, मान सम्मान पे कोई ठेस ना आने पावे, इस बात का ध्यान रखिए। और भाग्यवश कोई काम नहीं होगा, भाग्य पे भरोसा अभी नहीं करना है आपको। स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम की स्थिति करीब करीब ठीक हो चुकी है। विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ा अच्छा समय शुरू हो रहा है। सूर्य को जल देते रहें। वृषभ राशि, चोट चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, अचानक परिस्थितियां आपकी प्रतिकूल है, नौकरी चाकरी में कोई परेशानी हो सकती है, शासन सत्ता पक्ष से कुछ कुअवसर हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य प्रेम व्यापार सब कुछ मध्यम दिखाई पड़ रहा है। ताम्रपात्र दान करें और काली जी को प्रणाम करें। मिथुन राशि, शासन सत्ता पक्ष से नजदीकियां हो सकती है, कुछ अधिकारियों का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, रोजी रोजगार में तरक्की कर सकते हैं, लेकिन जीवन साथी का स्वास्थ्य ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका भी स्वास्थ्य मध्यम दिख रहा है, प्रेम भी थोड़ा तूतू मैमे के शिकार हो सकता है। हरी वस्तु पास रखें। कर्क राशि की स्थिति विरोधियों पर भारी पड़ेंगे, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेम सही चल रहा है, व्यापार सही चल रहा है, थोड़ा डिस्टर्बिंग टाइम यह हो सकता है। बजरंगबली को प्रणाम करते रहे। सिंह राशि, बच्चों के सेहत पे ध्यान दें, बहुत अच्छा समय नहीं कहा जाएगा ये। कोई महत्वपूर्ण निर्णय अभी ना लें, अवसाद की स्थिति बन रही है। स्वास्थ्य प्रेम व्यापार मध्यम दिख रहा है। पीली वस्तु पास रखें, सूर्य को जल दें। कन्या राशि, भूम भवन वाहन की खरीदारी पर विराम लग सकता है, घर में कुछ कोलाहल सा रहेगा। स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम मध्यम है, व्यापार करीब करीब ठीक है। पीली वस्तु का दान करें। तुला राशि, पराक्रमी बने रहेंगे और ये पराक्रम आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। रोजी रोजगार में तरक्की करते हुए दिख रहे हैं। प्रेम मध्यम, स्वास्थ्य मध्यम, व्यापार आपका अच्छा चल रहा है। शनिदेव को प्रणाम करते रहे। वृश्चिक राशि की स्थिति, राजसत्ता पक्ष के करीब आ रहे हैं आप। स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम अच्छा है, धनार्जन होता रहेगा, व्यवसायिक स्तर आपका सही चलता रहेगा। सूर्य को जल देते रहे। धनुराशि, स्वास्थ्य पे ध्यान दें, भाग्य साथ देगा, प्रेम सही चल रहा है, व्यापारिक दृष्टिकोण से सही चल रहे हैं, पहले से थोड़ा सा सुधार दिख रहा है। पीली वस्तु पास रखें, सूर्य को जल दें। मकर राशि, मन चिंतित बना रहेगा, सरकारी तंत्र से कुछ आपके खिलाफ वातावरण बनता हुआ दिख रहा है। प्रेम मध्यम, व्यापार सही,
काली जी को प्रणाम करते रहे। कुंभ राशि, आर्थिक मामले सुलझेंगे, रुका हुआ धन वापस मिलेगा, नए स्रोत भी बन सकते हैं आमदनी के, प्रेम मध्यम, व्यापार अच्छा, गणेश जी की वंदना करें। मीन राशि, व्यापारिक दृष्टिकोण से सुअवसर हो सकता है, स्वास्थ्य पे ध्यान दें, प्रेम की स्थिति करीब करीब ठीक है, सफेद वस्तु पास रखें। नमस्कार।